हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। आज बहुत बड़ा दिन है इस चैनल के लिए, क्योंकि आज के विस्की वेंसडे में हम लेकर आए हैं इस चैनल की अभी तक की शायद सबसे प्रेस्टिजियस विस्की, लागावुलिन 16। प्रेस्टिजियस मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इस विस्की को वाइडली वन ऑफ द बेस्ट विस्कीज इन द वर्ल्ड माना जाता है। अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान से पूछूं कि बेस्ट विस्की इन द वर्ल्ड कौन सी है, तो 10 में से 8 लोग बोलेंगे कि ब्लू लेवल है। लेकिन अगर मैं किसी विस्की एक्सपर्ट से पूछूं कि बेस्ट विस्की इन द वर्ल्ड कौन सी है, तो 10 में से 8 लागावुलिन 16 का नाम लेंगे। तो विस्की एक्सपर्ट्स की ब्लू लेवल है ये। और इससे पहले हम और बात करें इसके बारे में, लेट मी पोर द विस्की, बिकॉज एक बिल्कुल सील बॉटल है, थोड़ा सा खोल के पोर कर लेते हैं ताकि थोड़ा सांस ले सके विस्की। 16 साल पुरानी विस्की है, 16 साल तक बैरल्स में बंद रही, उसके बाद इसे बॉटल में कैद कर दिया गया, तो थोड़ा सा सांस लेने का मौका देना चाहिए। मुझे कह रही है विस्की, मुझे बुला रही है, कह रही है कि मैं 16 बरस की, मैं 33 बरस का। चलिए थोड़ा सा पोर करते हैं। तो लागावुलिन की शुरुआत हुई थी 1816 में, जो डेट जो साल इनकी बॉटल में भी लिखी रहती है। हालांकि कहा जाता है कि यहाँ पर विस्की उससे पहले से बनती आ रही थी, लेकिन वो इलीगल तरीके से बनती थी। 1816 में फाइनली इसे रजिस्टर कराया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो लागावुलिन विस्की को हम जानते हैं वो लागावुलिन वहाँ नहीं बनती थी। इनफैक्ट इस डिस्टिलरी का ध्यान अपनी खुद की विस्की में कम बल्कि पड़ोस की विस्की में ज़्यादा था। ये हमारे साथ भी होता है। पीटर मैकी, जो उस टाइम पर लागावुलिन डिस्टिलरी को संभालते थे, उनका काफ़ी इंटरेस्ट था लफ्रॉयक डिस्टिलरी में, जो कि लागावुलिन के पड़ोस में ही थी। इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी कोशिश भी करी कि लफ्रॉयक डिस्टिलरी को ख़रीद लें, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। और 1847 में एक अग्रीमेंट भी साइन हुआ लागावुलिन और लफ्रॉयक के बीच में, जिसमें लागावुलिन वाले लफ्रॉयक की विस्की लेकर, सिंगल मॉल्ट विस्की लेकर अपनी ग्रैंड विस्की के साथ मिक्स करते थे और उसे फिर बेचते थे। और वो विस्की काफ़ी पॉपुलर हो गई क्योंकि लोगों को कम प्राइस में लफ्रॉयक विस्की टेस्ट करने को मिल रही थी। तो लागावुलिन उससे खुश थे, लेकिन लफ्रॉयक डिस्टिलरी वालों को ये चीज़ पसंद नहीं थी, क्योंकि उससे उनकी जो सेल थी, उनके सिंगल मॉल्ट की सेल, वो कम होने लग गई। और इसका रिजल्ट हुआ लीगल बैटल्स, जिसमें लफ्रॉयक ने कोर्ट में केस कर दिया और इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस अग्रीमेंट को कैंसिल करा दिया। उसके बदले में लागावुलिन वालों ने लफ्रॉयक डिस्टिलरी में जो पानी आता था उसे ही ब्लॉक कर दिया। उन्होंने बोला कि जो विस्की तुम बनाते हो जिस पानी से, वो हम ही बना देंगे। लेकिन ये जो ऑब्सेशन था लफ्रॉयक विस्की को कॉपी करने का, ये लागावुलिन को कहीं ले जा नहीं रहा था। इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे वो इस विस्की को, लफ्रॉयक को रेप्लिकेट करने के लिए, कि वो अपने खुद की क्रिएशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। आखिर नकल में भी अकल चाहिए होती है। लेकिन अगर इस पूरे रिव्यू में आपको मैं यही बताता रहूँगा कि कैसे लागावुलिन ने लफ्रॉयक को कॉपी करने की कोशिश करी, तो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी वो लागावुलिन के साथ, क्योंकि एक बेहतरीन विस्की है वो। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे कि लागावुलिन इज़ बेटर देन लफ्रॉयक, तो शायद उसमें कुछ गलत नहीं होगा। आर्ग्यूमेंट करने के लिए ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होंगे, बट आई थिंक ये डिस्कशन किसी और दिन के रख देते हैं हम। लागावुलिन को धीरे धीरे समझ में आ गया दैट दे नीड टू फोकस ऑन देयर ओन विस्की। उन्होंने उस दिशा में कदम रखा और वो जो दिशा उन्होंने पकड़ी, वहाँ उन्हें बहुत सारी सक्सेस मिली। एंड एज आई एक्सप्लेन, दिस इज़ अ 16 ईयर्स ओल्ड सिंगल मॉल्ट, यानी कि इसमें यूज़ करी गई जितनी भी विस्कीज़ हैं उन्हें कम से कम 16 ईयर्स के लिए एज कराया गया है बैरल्स में। 16 थोड़ा यूनिक नंबर है, क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स को 12 ईयर्स, 15 ईयर्स या 18 ईयर्स के लिए एज कराती हैं। 16 इज़ अ यूनिक नंबर, और ये चीज़ कहीं ना कहीं जो मास्टर ब्लेंडर थे, जो इसे बनाते थे, वो भी समझते थे। और कहीं ना कहीं उन्हें एक टाइम ऐसा भी आया जब उन्हें नेगेटिव तरीके से खटकने लग गया ये चीज़, क्योंकि जब ग्लेन फिडिक, ग्लेन लिविट, ग्लेन मोरेंजी जैसी विस्कीज़ पॉपुलर होने लग गई 12 ईयर्स, 10 ईयर्स एज स्टेटमेंट के साथ, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना लागावुलिन की भी एज स्टेटमेंट को कम कर दिया जाए।
और उस टाइम पर लागावलिन 12 भी लॉन्च करी गई, बट थैंकफुली दे स्टिल स्टक टू द 16 ईयर्स ओल्ड एज स्टेटमेंट, और आज की डेट में इसे स्कॉटलैंड की वन ऑफ द क्लासिक मॉल्ट्स माना जाता है। एंड दिस विस्की कम्स फ्रॉम द आइला रीजन, यानी कि आप इससे बहुत ज़्यादा स्मोक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई डेफिनेटली डोंट थिंक कि एक बिगिनर विस्की है ये। अगर आप स्मोकी विस्कीज पसंद करते हैं और आप एक एडवांस लेवल की स्मोकी विस्की ट्राई करना चाहते हैं, देन लागावलिन इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट विस्की टू ट्राई। प्राइस है इसका ₹7,660 फॉर द बॉटल इन दिल्ली। ऑब्वियसली थोड़ी एक्सपेंसिव विस्की है, बट आई थिंक कंसिडरिंग कि एक 16 ईयर्स ओल्ड विस्की है ये, 16 साल के लिए एज कराया गया इसे, प्लस इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट विस्कीज इन द वर्ल्ड। अगर आप सच में स्कॉच विस्की के लवर हैं, स्कॉच विस्की पसंद है आपको, देन यू मस्ट एक्सपीरियंस दिस विस्की वंस इन योर लाइफ। तो आई थिंक इतना बुरा प्राइस नहीं है, बट चलिए सीधा टेस्ट करते हैं इसे। पहले नोजिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या टेस्ट, क्या नोट्स आते हैं मुझे इस विस्की से। ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा स्मोक है इस विस्की में, विच इज़ एक्सपेक्टेड, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट पास्ट द स्मोक। उसके अलावा जो नोट्स हैं वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अ बिट ऑफ स्पाइसीनेस, हल्का हल्का पेपर आ रहा है मुझे। अ बिट ऑफ फ्रूटीनेस आ रही है मुझे बहुत ही बैक एंड पे। मे बी आई कैन से दैट शायद मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूं जहां मैं लागावलिन जैसी विस्की के नोट्स को अच्छे से ब्रेक डाउन कर सकता हूं, बिकॉज इट इज़ सो स्मोक हैवी, बट जो नोट्स हैं उस विस्की में स्मोक के अलावा उसे ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट देर इज डेफिनेटली अ बिट ऑफ स्पाइसीनेस इन दिस विस्की, अ बिट ऑफ चॉकलेटी जो नोट्स आ रहे हैं मुझे। लेट्स गेट टू द टेस्टिंग और देखते हैं टेस्ट में क्या फील होता है। सो डेफिनेटली स्मोक, अ लॉट ऑफ स्मोक, स्लाइटली मिंटी आफ्टर टेस्ट, जो आई डोंट थिंक कि मैंने आज तक किसी और विस्की में मिला है मुझे आज तक ऐसा कभी टेस्ट। स्लाइटली लेदर चंक्स, बर्न्ड पेपर, सिगार स्मोक जैसे नोट्स आ रहे हैं मुझे टेस्ट में। देर इज काइंड ऑफ अ नोट, हल्का हल्का टोबैको जैसा नोट है वो, विच आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस विस्की। पूरी पी गया हूं मैं। There is a bit of spiciness as well, pepper, a bit of cardamom. Of course, ये whisky शुरू होती है smoke से, but it's not just about smoke. This whisky is a lot more than that. I think 4-5 sip जो मैंने लिए इस whisky में, उन हर sip में मुझे कुछ ना कुछ नया explore करने को मिला है, और अगर मैं इस whisky को और पीऊँगा, I will get more and more notes, because this is one of the most complex whiskies that you can try. कहा जाता है this is one of the most manliest whiskey in the world. I am not sure about manliest, but I do think कि शायद ये whiskey हर किसी के लिए नहीं है. It is definitely not a beginner whiskey. अगर आप whiskey पीना शुरू किया है आपने, या अगर आप Glenfiddich या Monkey Shoulder जैसी whiskies पीते आ रहे हैं, then don't buy Lagavulin. If you like drinking Double Black, if you like drinking Talisker और उसका next level आप जानना चाहते हैं, then go for Lagavulin 16. जो smoke है इस whisky में मुझे आ रहा है वो काफ़ी अलग है एक regular
आई लव विस्की से, आई मीन अगर मैं इसे कंपेयर करूँ लफ्रॉयक से, लफ्रॉयक गिव्स यू आउट एंड आउट स्मोक, जो मेडिसिनल नोट्स आते हैं लफ्रॉयक में, फेनल नोट्स, यू नो दे आर नॉट वेरी प्लेजेंट, बट इस विस्की के जो स्मोक है इट इज़ अ लॉट मोर प्लेजेंट, एंड एज अ सेट इस विस्की की जो फिनिश है इट टर्न्स इंटू समथिंग एल्स एंटायरली. सो अगर बात करें स्कोरिंग की, ऑफकोर्स दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड विस्की इन द वर्ल्ड, एंड इट्स वेरी इजी फॉर मी टू से यू नो कि यार लाओ, वो को पसंद है मुझे पसंद नहीं है, बट इट इज़ एन अमेजिंग विस्की. ये कहने में कोई बुराई नहीं है, एक्सेप्ट करने में दैट दिस विस्की डज टेस्ट रियली रियली गुड. मैंने पी हुई है पहले विस्की, बट देर इज़ अ बिग डिफरेंस जब आप एक विस्की को अपने दोस्तों के साथ बैठ के पी रहे हो और जब आप इस विस्की किसी विस्की को इस टेबल पर बैठ के ग्लेनकिन ग्लास में उसके टेस्ट उसके नोट्स को जज कर रहे हो. एंड इवन व्हेन आई डिड दैट आई रियली लव दिस विस्की. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट विस्कीज इन द वर्ल्ड फॉर अ रीज़न. सो आई डोंट थिंक आई हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू गिव दिस विस्की 10 out of 10. और जहाँ बात आती है वैल्यू फॉर मनी की, आई थिंक 7600 अगेन इज डेफिनेटली नॉट अ बैड प्राइस, कंसिडरिंग आपको उस प्राइस में ये क्या ऑफर कर रही है. ऑफकोर्स एक एक्सपेंसिव विस्की है विच नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड, बट हमें देखना पड़ेगा कि उस प्राइस में आपको जो वैल्यू मिल रही है, जो आपको वर्थ मिल रही है वो कितनी है. इट इज़ अ 16 ईयर्स ओल्ड विस्की. एक 12 साल से 16 साल में काफ़ी डिफरेंस होता है. प्लस इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट विस्कीज इन द वर्ल्ड. बट समवेयर आई डू थिंक दैट दे आर चार्जिंग अ बिट ऑफ अ प्रीमियम बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड वैल्यू, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, हर कंपनी करती है. सिर्फ जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप सिर्फ उस प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं दे रहे होते, आप उस ब्रांड की वैल्यू भी दे रहे होते हैं. सो कंसिडरिंग दैट आई एम गोइंग टू गिव दिस विस्की 9.2 out of 10 फॉर वैल्यू फॉर मनी. तो इसका MB's मैन केव स्कोर होता है 9.6 out of 10. सो दोस्तों, ये था हमारा आज का रिव्यू लागावुलिन 16 स्पेशल रिव्यू फॉर आर 1 ईयर एनिवर्सरी, जो कि कल है. डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द लाइव स्ट्रीम. कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइए मुझे कमेंट्स में, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल पर. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए cheers.